नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ वन लाइनर जी के, जो कि इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है, उत्तर है इसका गला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, शरद चंद्र चटर्जी द्वारा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, लॉन टेनिस से। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जे एल बेयर्ड ने। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है, नीक चंद। इराक का वह राष्ट्रपति जिसके खिलाफ अमेरिका ने युद्ध छेड़ा था, सद्दाम हुसैन। WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। जूलिया गिलार्ड कहाँ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, ऑस्ट्रेलिया की। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, पंजाब का। NGT का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही की अंतिम जिम्मेदारी है, संसद की। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन के को किसने डिजाइन किया था, एडविन लुटियंस द्वारा। पांचवी अनुसूची के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है, राष्ट्रपति को। वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जस्टिस M. हिदायतुल्ला। भारत के वह राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे थे वो हैं V.V. Grey। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, B.N. Rao। 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, राजस्थान के नागौर जिले में। भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, बिहार। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई एक तिहाई आरक्षण की। G.V. Rao तथा लक्ष्मी मल सिंघवी के नेतृत्व में समिति गठित हुई थी वर्ष 1985 तथा 1986 में। पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने की सिफारिश की अशोक मेहता समिति ने। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की, चितरंजन दास ने। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, महावीर स्वामी। UTI बैंक का वर्तमान नाम क्या है, एक्सिस बैंक, ये मैं आपको एक और वीडियो में बता चुकी हूँ। विली विली का क्या अभिप्राय है, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है हुबली में। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में। किस मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है, काली मिट्टी में, ये एक बार और ही बता चुकी हूँ वीडियो में, कई बार बताया मैंने वैसे। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क उड़ीसा में। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, लोकमान्य तिलक। OIC का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसको माना जाता है, मनु को। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, राजस्थान में है घाना पक्षी अभयारण्य। मालाघाट बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, गुजरात का। इस टाइम नवरात्र के टाइम डांडिया काफ़ी खेला जाता है। अधिकेंद्र शब्द संबंधित है भूकंप से। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है भारत के राष्ट्रपति के प्रति। अजंता चित्रकला किस काल की है, गुप्त काल की। कीमत विभेद लाभदायक होता है जब दो बाजारों से में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है, महाभारत का। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व है उत्तराखंड में। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। डोगरी किस राज्य की आम भाषा है, जम्मू एवं कश्मीर की। मृच कटिकम किसने लिखा था, सूद्रक ने।
तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, आगे हम आपके लिए और भी वीडियोस लाएंगे। ओके बाय बाय।